नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। 12,213 जो वैकेंसीज हैं DSSSB के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राज्य में, आपके शहर में या देश दुनिया से जो इम्पोर्टेंट टीचिंग वैकेंसीज होंगी उनके बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ऑथेंटिक, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते थे डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइको या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या स्पेशल नोट्स, 5 रुपीज पर डे के हिसाब से। लेकिन जो अभी वायरस है उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आए कि घर से हम पढ़ाई कैसे करें, तो अब हमने उसमें डिस्काउंट किया। हालांकि चाहते तो फीस बढ़ा सकते थे लेकिन मजबूरी का हमें फ़ायदा नहीं उठाना। हम चाहते हैं कि जो साथी घर पे हैं या कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं, तो एक डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इससे आप अपने सीट बुक कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट होगा ये तब तक रहेगा जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाती, उसके बाद जो हमारी नॉर्मल फीस होगी हम बढ़ा देंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते जैसे मास्क 5 रुपये का 20 रुपये में 50 रुपये में बेचा जा रहा है, हम फायदा नहीं उठाना चाह रहे। तो साथियों, अभी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे साथियों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे, एक नोटिस आया था 12,213 वैकेंसीज को लेकर। तो उसमें काफ़ी दावा किया जा रहा है कि ये वैकेंसीज न्यू हैं और नई वैकेंसीज ये निकाली गई हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग भी हैं बहुत सारे, इसमें प्रिंसिपल की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज दिखाई जा रही हैं 193, TGT की भी वैकेंसीज है काफ़ी सारी 4,000 के लगभग, और PGT कंप्यूटर साइंस, TGT कंप्यूटर साइंस और असिस्टेंट टीचर नर्सरी, TGT की और भी हैं, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसीज दिखा रखी हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं 12,213 वैकेंसीज इसमें दिखा रखी हैं। तो ये दावा किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये न्यू वैकेंसीज है क्या। तो मैंने जो ये कंफर्म किया, क्योंकि मुझे भी लगा स्टार्टिंग में कि हो सकता है ये न्यू वैकेंसीज है, हो सकता है कि गेस्ट को पक्का किया गया है। तो जब इनका कंफर्म किया, जब मैंने पूछा, पूछने के बाद जब ये कंफर्म हुआ तो ये वैकेंसीज बहुत पहले की हैं, 2011 की वैकेंसीज हैं और काफ़ी टाइम के बाद इनका एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम होने के बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है तो वो बीत जाने के बाद अब इनको परमानेंट किया गया, क्योंकि आपको पता है 2 साल तक रखा जाता है एज अ ट्रेनिंग पर्पज, बीच में हटाया भी जा सकता है। तो 2 साल बीत जाने के बाद अब क्या है कि इनको परमानेंट स्टेटस प्रोवाइड किया गया। तो ये वैकेंसीज है 12,213 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और ये पोस्ट की इनमें वैकेंसीज हैं, इतनी वैकेंसीज हैं, इनको क्या है कि परमानेंट स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ये गेस्ट टीचर्स नहीं है, ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, क्वालिफाई हुए थे और 2 साल ट्रेनिंग पर्पज पे रहे थे, और इसके बाद अब इनको सभी को परमानेंट कर दिया गया। तो ये है वो स्टेटस, ये है वो, ये कोई न्यू वैकेंसीज अभी है नहीं। और इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, जो नोट्स का मैंने बताया आप लोग को देख सकते हैं, और जो प्रिपरेशन है अपनी करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है बहुत सारी, आपकी हेल्प भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और जो साथी इसमें परमानेंट हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग अब कंटिन्यू सेवा में रहेंगे। एक डर रहता है कि कहीं बीच में कोई मिस्टेक ना हो जाए और हटाने नहीं दिए जाए हम, तो ऐसा कुछ नहीं, अभी आप लोग परमानेंट रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर में आप अच्छे से काम करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरह की और भी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।